तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लर्न करने वाले हैं अपना चौथा पार्ट सीपीए मार्केटिंग का, जहां मैं आपको बताऊंगा वो तीन चीजें जो हर लैंडिंग पेज में यूज होती हैं इन सीपीए मार्केटिंग, और ये वो तीन चीजें हैं जो हथियार हैं एक तरह से आपके लिए लैंडिंग पेज बनाने के लिए, बिकॉज इन तीनों चीजों के बिना लैंडिंग पेज फुलफिल नहीं हो सकता, लैंडिंग पेज नहीं बन सकता, और अगर आप इन तीनों में से एक भी चीज मिस करते हैं तो आपको आपके कन्वर्जन्स नहीं मिलेंगे और आपका जो लैंडिंग पेज है वो आपको कोई भी पैसे कमा के नहीं देने वाला, बिकॉज लैंडिंग पेज जो है वो सीपीए मार्केटिंग की जान है और वहीं से एक कस्टमर अट्रैक्ट होता है और जाके आपको अपना डाटा देता है और आप अर्निंग करते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें और प्लीज नीचे एक चीज लिख के जाओ दैट आई एम लर्निंग, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और जो वीडियोस है वो मैं हर दिन आपके लिए डालूं और ये जो पूरा पार्ट है उसको कंप्लीट करूं। तो प्लीज गाइस एक लाइक एक कमेंट एंड वन शेयर इन एनी ग्रुप, आपका चॉइस, आपके ग्रुप कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हो, बट एक शेयर वन लाइक and one comment please, this is my requirement and this is my fee only and everything free for you, so let's get it started. So my name is Tien, I'm the best in the world and you are watching All I Money as usual guys. So आज हम लोग बात करने वाले हैं CPA marketing landing pages के hacks के बारे में, और मैं आपको वहां से तीन चीज बताने वाला हूँ landing pages hacks, CPA marketing landing pages hacks, वहां से मैं आपको तीन बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन चीज बताने वाला हूँ जिससे एक पूरा लैंडिंग पेज कंप्लीट होता है। भाई सबसे पहला जो चीज है उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैं आपको कुछ उदाहरण भी दूंगा जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा और उन एग्जांपल्स में कि आपको किस तरह के लैंडिंग पेजेस बनाने हैं, तो उसको भी आपको ध्यान से देखना है, समझना है। और मैं एक चीज और बोलूंगा कि अब यहाँ से ये जो चौथा पार्ट बन रहा है जो आप देख रहे हो, यहाँ से आप हर चीज प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, बिकॉज ये वो पार्ट है जहाँ पे आपकी पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप कि आप मेरे साथ साथ काम करना भी स्टार्ट करोगे ताकि आपके रिजल्ट भी आ सकें, बिकॉज एक्शन इज सक्सेस, जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसे हजार वीडियोस देख लोगे लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। तो प्लीज इस वीडियो के बाद आप अपने नोट्स बनाएं एंड एक्शन लेने की कोशिश करें। तो गाइस जो सबसे पहली जो चीज है मैं आपको बताता हूँ, तो फर्स्ट चीज है हुक। तो हुक क्या होता है गाइस, हुक होता है मेन हेडिंग, ठीक है। तो हुक से आप कर सकते हो लोगों को इम्प्रेस, और हुक आता है कॉपी राइटिंग स्किल से। कॉपी राइटिंग स्किल के लिए मैंने पहले ही वीडियोस बना रखी है, तो वो आप जाके चैनल पे देख सकते हो, जहां पर भी आपको मिल जाए वहां आप जाके देखो, वीडियो सेक्शन में जाओ और वहां पर आप टाइप करो कॉपी राइटेड, कॉपी राइटिंग क्या होती है, व्हाट इज कॉपी राइटिंग, अपने वीडियो का जो सेक्शन है वहां जाके देखो। तो ये जो हुक है वो आपको बहुत ज्यादा सॉलिड रखना है, लाइक आप कोई ऑफर प्रमोट कर रहे हो डेटिंग का, सो डेट योर फ्रेंड्स टुडे, लाइक दैट आप लिख सकते हो, हुक का यूज कर सकते हो, बिकॉज जो हुक होता है उसको कस्टमर देखता है और अट्रैक्ट होता है आपके लैंडिंग पेज पे, ठीक है। तो हुक जो है आपका वो बहुत ज्यादा सॉलिड होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन। गाइस कॉल टू एक्शन क्या होता है, कॉल टू एक्शन यानी साइन अप नाउ, ज्वाइन नाउ, प्रेस नाउ, कॉल मी नाउ, लाइक नाउ, प्लीज गाइस लाइक नाउ। तो गाइस ये सब क्या है, ये सब है कॉल टू एक्शन। तो ऐसे ही करके आपको एक हुक डालना है, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन डालना है, डू यू वॉन्ट टू अर्न मनी, यस ऑर नो, प्लीज कमेंट बिलो, ठीक है। तो आपको नीचे कमेंट करना है, जैसे मैंने कहा डू यू वॉन्ट टू अर्न मनी, यस या नो, तो नीचे आप लिखो जाके यस या नो। बट इन लैंडिंग पेज आपको बस वहां पर दो बटन दिए जाते हैं जिसमें आपको यस या नो करना रहता है। तो यस या नो जो चीज है वो है कॉल टू एक्शन। अब ये क्या होता है, जो ऊपर लिखा है डू यू वॉन्ट टू अर्न मनी, तो वो जो चीज है, वो जो लाइन है वो हेल्प करती है आपके कॉल टू एक्शन में। तो जब आप लिखोगे डू यू वॉन्ट टू अर्न मनी, तो यस या नो जो भी आपका कस्टमर है वो नीचे प्रेस करेगा। अब दोनों जो आपका लिंक है, बटन है, उसमें दोनों जो बटन है उसमें दोनों बटन में दो लिंक्स अलग अलग नहीं रहती हैं, दोनों सेम लिंक रहती हैं जो आपके ऑफर पे ले जाती हैं। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है दैट इज कॉल्ड ऑफर, और गाइस ऑफर, तो अब जब होगा जब बंदा यस या नो पे क्लिक करेगा तो वो आपके ऑफर पे रिडायरेक्ट हो जाएगा,
जब वो आपके ऑफर पे जाएगा तो वो आपकी स्टोरी देखेगा। अब स्टोरी मतलब जो आपको पेज जो आपका ऑफर दिया गया है वो पूरी आपकी एक स्टोरी है, वो आपका पूरा एक ऑफर है। तो अब बंदा जाएगा और वहां पर अपने डिटेल्स को फुलफिल करेगा। गाइस ये चीज मैंने बहुत इजी बताई है, बट ध्यान रखना अगर ये तीनों चीज में से कोई भी चीज मिस होती है तो आपका ना तो लैंडिंग पेज पूरा होगा, ना तो आपका ऑफर पूरा होगा और ना आपको कोई पैसे मिलेंगे। क्योंकि ये जो तीन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपको जैसा मैंने बताया कॉपीराइटेड हुक जिसको आप बोल सकते हो, सेकेंड जो है आपका कॉल टू एक्शन, और जो थर्ड है वो है आपका ऑफर। हर लैंडिंग पेज में ये तीन चीज आपको जरूर मिलेगा बिकॉज ये जो तीन चीज है वो फाउंडेशन है लैंडिंग पेज की। अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, तो लेट्स गो ऑन माई कंप्यूटर। तो गाइस ये कुछ लैंडिंग पेजेस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं और आपको इनको कॉपी करना है, मैं ये बोलूंगा कि आपको इनसे एक आइडिया लेना है और अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है और भी बहुत अच्छे अच्छे लैंडिंग पेज क्रिएट करने हैं। ये बहुत ही ज्यादा अच्छे और बहुत ज्यादा उमदा तरीके के लैंडिंग पेजेस नहीं है, बट यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि आप कैसे अपना लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। तो पहला जो लैंडिंग पेज आप देख पा रहे हो जैसे कि यहाँ पर लिखा है लर्न हाउ टू क्रिएट अ सर्वे लैंडिंग पेज, तो यहाँ पर आप अपना डाल सकते हो हुक और फिर उसके बाद कॉल टू एक्शन आपको दिख रहा है। और जैसे कॉल टू एक्शन पे वो क्लिक करेगा या यस पे या नो पे, तो वो जाएगा उस ऑफर पे जो ऑफर आप उसको शो करना चाहते हो अपने कस्टमर को। बस वो है आपका ऑफर एंड वो वहां पर अपनी जो भी डिटेल्स है उसको फिल अप करेगा और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तो ये एक पहला उदाहरण। दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये जो दूसरा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ पहले। तो गाइस ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको जो चीज़ दिख रही है, मतलब ये जो सारी चीज़ दिख रहे हैं लेआउट डिज़ाइन, एक्सपोर्ट कॉपीराइट, कन्वर्सेशन टैक्टिक्स, ठीक है, हाई क्वालिटी स्टॉक फोटोज, विजुअल प्लेस होल्डर्स, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ मैं बता दूँ पहले, ये जो जितने भी उदाहरण मैं आपको देने वाला हूँ 5-6 लैंडिंग पेजेस की, ये सारे आपको अपने ग्रुप में मिल जाएंगे। जो अपना ग्रुप है एफिलिएट मार्केटिंग लर्निंग का एंड सीपी मार्केटिंग लर्निंग का, वो आपको नीचे मिल जाएगा। उस पर लिंक पे क्लिक करके फेसबुक का ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लो, मस्ट ज्वाइन करो। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और लिखो आई एम लर्निंग इन कमेंट्स। प्लीज़ लिखो आई एम लर्निंग इन कमेंट्स। तो गाइज यहाँ पर देखो लिखा हुआ है प्रूवन लेआउट, ठीक है। लेआउट मतलब ये जो स्पेसेस है, मतलब पूरी जो चीज़ें दिख रही हैं वो पूरा लेआउट है, ठीक है। जो सेकंड चीज़ है हाई क्वालिटी स्टॉक इमेज, अगर चाहो तो आप अपने लैंडिंग पेज में इमेज लगा सकते हो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। लाइक आप जैसा भी, जैसे रिलेशनशिप का कोई प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो तो इस टाइप के आप इमेज लगा सकते हो, जैसा कि आपको उदाहरण में दिया हुआ है। थर्ड जो चीज़ इसमें दिखाई गई है वो दिखाई गई है एक्सपर्ट कॉपीराइट, जो मैंने आपको सिखाया हुक, हुक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वो कॉपीराइटेड ही होता है, तो यहाँ आपको कॉपीराइट एक हुक भी रखना है। जो चौथी चीज़ है गाइज वही आपका जो कॉल टू एक्शन के ऊपर जो आपका फिलअप रहता है, चाहे ईमेल चाहे नेम, या ये या दोनों आप ये भी नहीं रख सकते हो, डायरेक्ट कॉल टू एक्शन भी रख सकते हो, ठीक है। तो कॉल टू एक्शन आप रखोगे तो वो ज़्यादा इस समय फायदा करता है, तो मैं आपको वो चीज़ सजेस्ट करूँगा। यहाँ मैं आपको तरह तरह के लैंडिंग पेजेस दिखा दे रहा हूँ जो यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये स्पेस होल्ड मतलब कुछ स्पेस अच्छा खासा छोड़ के वहाँ पर आप कुछ लिख सकते हो। तो तरह तरह के लैंडिंग पेजेस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करते हो। चलते हैं थर्ड पे। गाइस थर्ड एक बहुत ही अच्छा कंटेंट लॉकर इसको बोलते हैं, लेकिन आप इसको भी अपने दिमाग से यूज़ कर सकते हो। जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो आई थिंक आपको दिख रहा होगा, देखो आप क्या कर सकते हो, आप अपने कस्टमर को कुछ ऐसी चीज़ दे सकते हो जिसको उसको अनलॉक करना पड़े। लाइक आप किसी अपने कस्टमर को, मान लो आपका जो भी एक टारगेटेड कस्टमर है, आप उसको कोई अच्छी वीडियो दे रहे हो, कोई सीक्रेट वीडियो दे रहे हो एंड वहाँ पर आपने लगा दिया है कंटेंट लॉकर। कंटेंट लॉकर इसको बेसिकली बोलते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि आपने वहाँ लगा दिया है अपने ऑफर का लिंक, ठीक है, अपने लैंडिंग पेज में। तो जैसे ही वो उसको अनलॉक करने जाएगा तो एक पॉपअप ब्लो अप होगा। अब उसको आपको चाहो, आप चाहो तो उसको 3-4-2 जितने भी चाहो उतने चीज़ आप उससे फिल आउट करवा सकते हो, ठीक है। जितने भी मतलब आपके ऑफर में, जैसे कि यहाँ पर दिया है 5 ऑफर, तो आप उसे 5 ऑफर भी प्रमो अपना फिलअप करा सकते हो, बिकॉज उसको वो वीडियो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वो आपके 1-2-3 ऑफर करेगा एंड फिर उस ऑफर पे क्लिक करेगा और वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। तो ऐसे करके आप 2-3 ऑफर को भी एक साथ करा सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है, ये कंटेंट लॉकर, ठीक है, ये एक बहुत अलग ही चीज़ है सीपी मार्केटिंग में, बट आप इसका यूज़ कर सकते हो नॉर्मल सीपी मार्केटिंग में भी अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी का यूज़ करोगे और थोड़ा अपना दिमाग लगाओगे। तो आई थिंक आपको आइडिया मिल गया होगा जो चीज़ मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं।
तो गाइस नेक्स्ट जो बहुत लोग यूज करते हैं ईमेल सबमिटिंग ऑफर में, आपको पता होगा बहुत सारे लोग इस चीज को यूज करते हैं और बहुत लोग यूज करते हैं, और यहाँ पर आपका एक स्टॉक इमेज मिल जाता है जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है एज यू कैन सी। एंड यहाँ पर आपको आपका हुक मिल जाता है एंड देन कॉल टू एक्शन, जैसे कॉल टू एक्शन पर बंदा क्लिक करेगा वो नेक्स्ट पेज पे चल जाएगा जहाँ आपका ऑफर रहेगा। तो ये भी आप इस तरह के भी लैंडिंग पेजेस का यूज कर सकते हो। देखो बहुत अच्छे से चीजें लिखी हुई हैं, साफ सुथरी एकदम डिफाइन है, बस उसको क्लिक करना है, नेक्स्ट पेज पे जाना है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इमेज पे, ऐसे करके आप ऐसा अपना लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो गाइज ये है लास्ट, और ये आप यूज कर सकते हो गेमिंग ऑफर में, एंड आप यूज कर सकते हो लाइक जो भी आपके टैक वैक के ऑफर है उसमें यूज कर सकते हो, और यहाँ पर भी वही सारी चीजें सिंपल, एक स्टॉक इमेज फॉर अट्रैक्शन एंड आपका कॉपीराइटेड हुक एंड सेकंड आपका कॉल टू एक्शन, आप जैसे ही क्लिक करेगा वो ऑफर में जाएगा। तो ऐसे कुछ इमेजेस हैं जिनका आप यूज कर सकते हो और काफी अट्रैक्टिव बना सकते हो अपने लैंडिंग पेज को। ऐसे तरह तरह के लैंडिंग पेज मैंने जो आपको दिखाए हैं, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, इससे कुछ आइडिया मिला होगा, और इन लैंडिंग पेजेस को आप यूज करके काफी अच्छा खासा पैसे गेन कर सकते हो और लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। और ये जितने भी लैंडिंग पेजेस हैं ये सीपीए मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इस समय यूज होते हैं। सो आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, आपने देखा समझा होगा कि हुक क्या होता है और कॉल टू एक्शन क्या होता है और ऑफर क्या होता है, और प्लस आपने लैंडिंग पेजेस भी देखे होंगे। तो गाइस प्लीज गो एंड स्टार्ट डूइंग गाइस, क्योंकि एक्शन ही सक्सेस है जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। और प्लीज ज्वाइन आवर फेसबुक ग्रुप एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट आई एम लर्निंग एंड लाइक करो एंड प्लीज शेयर करो एक ग्रुप में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप शेयर करो और मैं आपके लिए फटाफट वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज शेयर करो। फिर नेक्स्ट वीडियो, बाय, जय हिंद।